वेलकम बैक टू माई चैनल ताज बनाया जाए कानपुर की फेमस लुचई सब्जी। तो लुचई सब्जी की लुचई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा ले लिया, यानी कि 500 ग्राम, 1 छोटा चम्मच नमक, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं आप, 1 छोटा चम्मच चीनी, 2 बड़े चम्मच दही, 2 बड़े चम्मच तेल और 1/4 कप सूजी, जिसे रवा भी कहते हैं। तो अब मैं डो बना लूँगी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक ये मैदा ले लिया है और मैदे में मैं नमक डाल दूँगी। अब मैं इसमें चीनी डाल दूँगी और नमक आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। और अब मैं इसमें सूजी डाल दूंगी। इन सारी चीज़ों को एक बार मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। तो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी हैं, तो अब मैं इसमें दही डाल दूंगी। मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच दही यूज़ किया है। और अब मैं इसमें तेल डाल दूंगी। तो इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। तो सारी चीज़ें मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर ली और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लूँगी। तो डो मैंने बना ली और ये सॉफ्ट डो है। और अब मैं इसके लिड इसे कवर करके आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे रख दूँगी। और अब मैं इस पर तेल लगा दूँगी। तेल लगाना ज़रूरी है ताकि ऊपर की लेयर इसकी सूखे ना। और अब मैं इसे आधे घंटे के लिए रख दूँगी। मुझे इस सब्जी की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5 मीडियम साइज़ की आलू ले ली है, जिसे मैंने छील लिया है। छीलने के बाद मैंने इसे धो के अच्छे से काट लिया और मैंने इसे कुछ इतने छोटे क्यूब्स में काटा है। और मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच जीरा ले लिया है और 1 पिंच हींग ले ली है, 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है मैंने यहाँ पे, 1 बड़ी साइज़ की हरी मिर्च जिसे मैंने बारीक काट लिया, और 1/4 कप धनिया पत्ते जिसे मैंने काट लिया है, 1 मीडियम साइज़ का टमाटर जिसे मैंने बारीक काट लिया है। मसालों में मैंने यहाँ पे नमक ले लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर जिसे आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी जिसे मैंने क्रश कर लिया है, और 1 छोटा चम्मच सब्जी मसाला पाउडर, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक प्रेशर कुकर में सरसों का तेल डाल दिया, आप इसे वेजिटेबल ऑयल में बना सकते हैं। तेल भी गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें जीरा और हींग डाल दूंगी और इसे कुछ सेकेंड्स के लिए फ्राई कर लूँगी लो फ्लेम पे या फिर लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो ज़ीरा फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी और इसे भी 1 मिनट के लिए भून लूंगी लो फ्लेम पे। तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने भून लिया है, तो अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। टमाटर डालने के बाद मैं फ्लेम को लो कर लूंगी और इसमें सारे के सारे पाउडर मसाले डाल दूंगी और कसूरी मेथी भी डाल दूंगी। और अब मैं इसमें तकरीबन 50 से 60 ml पानी डाल दूंगी ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं, और मिक्स कर लूँगी इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से। पानी भी डाल दिया मैंने इसमें, और अब मैं इसे 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लूँगी। तो 4 मिनट हो चुके हैं और सारे मसाले अच्छी तरीके से पक चुके हैं, तो अब मैं इसमें आलू डाल दूँगी। तो आलू डाल दी मैंने इसमें, इसे भी मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो आलू मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया और अब मैं इसमें 1 कप पानी डाल दूँगी, यानी कि 250 ml। और अब मैं प्रेशर कुकर की लिड लगा लूँगी और हाई फ्लेम पे 1 सीटी आने तक मैं इसे पका लूँगी। तो 1 सीटी आ चुकी है और मैंने इसका प्रेशर खुद से रिलीज होने दिया था और लिड मैंने हटा ली है। गैस का फ्लेम मैं फिर से ऑन कर लूँगी। और अब मैं ऐसे मैश कर लूँगी आलूओं को कुछ इस तरीके से, स्पून का जो पीछे वाला हिस्सा है उससे मैं मैश कर लूँगी ताकि जो इसकी ग्रेवी है वो गाढ़ी हो जाए। तो मैंने इसे मैश कर लिया है। तो अब मैं इसमें मैगी का मैजिक मसाला पाउडर डाल दूंगी 1/2 छोटा चम्मच। मिक्स कर लूंगी इसे, और आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, ये बिल्कुल कानपुर की लुचई सब्जी की तरीके की लगती है। और अब मैं इसमें धनिया पत्ते और ये हरी मिर्च डाल दूंगी और थोड़े से धनिया पत्ते मैं गार्निशिंग के लिए बचा लूंगी। तो ये हरी मिर्ची भी डाल दूंगी मैं,
और अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी और गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे एक साइड पर रख दूँगी और लुचई बना लूँगी। तो आधे घंटे हो चुके और आधे घंटे के बाद मैंने इसे एक बार गून लिया था, तो मैंने इसकी लोई बना ली है और अब मैं इसे बेल लूँगी। और ये जो रोलिंग बोर्ड है इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था, और इसे मैं बेलन से नहीं बेलूँगी, हाथों से ही बड़ा करूँगी मैं इसे। तो अब मैं इसे हाथों से बड़ा कर लूँगी, तो हाथों से मैंने इसे बड़ा कर लिया और आप बेलन से भी इसे कर सकते हैं। और मैंने इसे उठा उठा के नहीं बड़ा किया था, कुछ इस तरीके से घुमाया था मैंने रोलिंग बोर्ड को। तो अब मैं इसे तेल में डाल दूँगी, तो लुचई को मैं तेल में डाल दिया और अब मैं इसे मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई कर लूँगी। और लुचई को ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, हल्का सा पतला ही रहने देना है लुचई को। तो जो एक लुचई है वो मैंने फ्राई कर ली है, कुछ सेकंड्स के लिए मैं इसे कुछ इस जगह से रख दूंगी ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। और अब मैं इसे निकाल लूंगी एक प्लेट पे, जिसमें मैंने एब्जॉर्बेंट पेपर लगा लिया, सेम वैसे मैं साई लुचई बना के सब्जी के साथ सर्व कर लूंगी। तो लुचई और सब्जी मैंने सर्व कर दी है। और अब मैं आपको एक लुचई तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट बनी है। तो आप देख सकते हैं कि लुचई कितनी सॉफ्ट बनी है, और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल किचन का शेफ को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब से बेल बटन को भी क्लिक करें ताकि मैं अपनी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप मेरी भी वीडियोज़ मिस ना कर पाएँ। तो अब मैं तो आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ईट गुड एंड फील गुड, बाय।